सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस डिवाइस के बारे में बात करेंगे वो है IQ की तरफ से आने वाला IQ 12 5G, जो कि एक फ्लैगशिप डिवाइस है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी डिवाइस में PUBG और BGMI का एक गेमिंग टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें इस डिवाइस में बाई डिफ़ॉल्ट PUBG और BGMI में क्या ग्राफिक सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है। उसके साथ ही दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी डिवाइस की परफॉर्मेंस के ऊपर भी नज़र डालेंगे और देखेंगे कि हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है, क्या हमें इस डिवाइस को इस प्राइस रेंज के साथ गेमिंग के लिए कंसिडर करना चाहिए या नहीं। अगर हम इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस डिवाइस में हमें कोलकॉम की तरफ से आने वाला कोलकॉम स्नैपड्रैगन 8Gen 3 का एक पावरफुल प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। उसके साथ ही दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम इस डिवाइस की बैटरी के बारे में बात करें तो इस डिवाइस में हमें 5000mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके साथ हमें इस डिवाइस में 120W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, साथ ही अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। उसके साथ ही दोस्तों, IQ के इस डिवाइस के रिकॉर्डिंग आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस डिवाइस में बाय डिफ़ॉल्ट PUBG और BGMI में ग्राफिक सेटिंग देख लेते हैं कि हमें इस डिवाइस में इस प्रोसेसर के साथ ग्राफिक में क्या सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जहां जाएंगे सीधा सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे सीधा ग्राफिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम स्मूथ की बात करें तो स्मूथ में हमें इस डिवाइस में बाई डिफ़ॉल्ट एक्सट्रीम यानी कि 60fps की ऑप्शन देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि ये डिवाइस 90fps गेमिंग के लिए कैपेबल है, लेकिन अभी तक हमें इस डिवाइस में इतने पावरफुल स्पेक्स होने के बावजूद भी कोई भी स्मूथ में 90fps का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता। आई होप कि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के साथ हमें इस डिवाइस में ग्राफिक्स में कुछ इम्प्रूव देखने के लिए मिल जाए। उसके साथ ही दोस्तों, अगर हम बैलेंस की बात करें तो बैलेंस में हमें एक्सट्रीम, HD में हमें एक्सट्रीम, HDR में हमें एक्सट्रीम। तो इसके साथ ही दोस्तों, अगर हम अल्ट्रा HD के बारे में बात करें तो अल्ट्रा HD में ये केबल अल्ट्रा तक ही सीमित है। इसका मतलब साफ है कि अभी तक हमें इस डिवाइस में बाय डिफ़ॉल्ट स्मूथ, बैलेंस, HD और HDR में 60fps और अल्ट्रा HD में 40fps गेमिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इस डिवाइस में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में एक कलरफुल में मैच स्टार्ट करके देख लेते हैं कि हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है, क्या हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय कोई लैग इशू, कोई हीटिंग इशू या कोई फ्रेम ड्रॉप जैसे मेजर इशू देखने के लिए मिलते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक मैच स्टार्ट करके देख लेते हैं। टीम मैच, लेट्स गो। Let's go. No mercy. Kill. Watch out. Gun again. Clear. Cover me. Watch it. Killing spree for the red team. Watch. Kill. Killing spree for the red team. The red team is in the lead. Enemy down. Cover me. Reloading. Cover me. Target down. Reloading. Kill up a jet is on. Kill. Nice shot.
losing the game. The red team is about to win. Target down. Cover me. Kill. Reloading. पता जीए सी किन्नी है कैलेंडर में किन्नी है किन्नी है जीआईसी आप पंजे दो करों ने 6 लाख हम दिया था ना पहला 6 लाख जमा करोने पहले सी आप पंजे उन 12 लाख के एक जन लूट कर रहा है मैं कर दिया नू क्या मैं क्या I need a weapon. बस आ जा तलवार निकाल के अपने पीछे ले लियो लाल तलवार लेगा कादी बाज करते हो ओ रोक रोक यार एक मिनट रोक अरे रुको एक मिनट रुकना वहीं रुकना ठीक है मौली है यहाँ पे Watch out! Watch out!